जो है सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में जो है इस बार हम लोग जो है 6 स्टेट जो है उसको कवर करेंगे। एक अभी मणिपुर भी जो है सेम बस जाती है ना, सिलीगुड़ी चला जाती है बस जो है वो सिलीगुड़ी से जो है वो खुल चुकी है। मैंने थोड़ी देर मैं एक छोटा सा टूर व्यू दे देता हूँ मर्सिडीज ठीक है। इस जलपाईगुड़ी में जो है दो इंटरनेशनल बॉर्डर भी टच होता है, एक बंगला और ये रेस्टोरेंट का एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही मैंने दाल रोटी मंगाया था, दाल फ्राई और आलू का भुजिया दिया साथ में अचार। कि मैंने जब नींद खोली तो वो जो है कि सीधा जो है कि मैं पहाड़ वगैरह दिखने लगा मुझे साइड में, सो छोटे छोटे पहाड़ के फुटफॉल जो है नजर आने लगे। तो कंफर्टेबल है कि मैं इवन कि मैं जब भी बस का ट्रैवल करता हूँ। कम बैक टू द न्यू सीरीज, अभी हम लोग जो है वो सिलीगुड़ी में है और यहाँ से जो है हमारा एक न्यू जो है सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में जो है इस बार हम लोग जो है अभी 6 स्टेट जो है उसको कवर करेंगे। एक अभी मणिपुर में जो है कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो स्टेट जो है अभी ट्रैवल हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उसको नेक्स्ट टाइम जो हम लोग फिर से जो हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट का प्लान करेंगे तो उसमें जो है उनको इंक्लूड करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो 7 सिस्टर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है कि 7 स्टेट्स हैं और एक ब्रदर है जिसको कि सिक्किम बोलते हैं। तो सिक्किम का वीडियो जो है आप मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। हमने जो है कि लास्ट ईयर जो है सिक्किम भी एक्सप्लोर किया था, अभी प्लान है फिर से दोबारा एक्सप्लोर करने का। रीज़न है कि अभी वहाँ पे फ्लड आया था जिसकी वजह से जो है नॉर्थ सिक्किम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कि जो है वहाँ पे तबाही हुई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो कितना सेफ है ट्रैवल करना उस रूट पे, उसको लेकर जो है हम लोग बहुत जल्दी जो है ट्रिप प्लान कर रहे हैं और वो जो है एक दो महीने के अंदर जो है वो आ जाएगा कि आपको सेफ है या नहीं है करना। वो चीज़ें जो है कि एक बार मैं वो आपको सारा ब्लॉग में कवर कर दूंगा। तो अभी हम लोग सिलीगुड़ी में हैं और ट्रैवल जो हम लोग कर रहे हैं वो नेटवर्क ट्रैवल है जो कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस बस सर्विस प्रोवाइडर है, तो उससे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ से जो है गुवाहाटी के लिए और फिर गुवाहाटी से जो है हम लोग शिलोंग जाएंगे। ये बस डायरेक्ट शिलोंग भी जाती है बट लेकिन हम जो है कवर कर रहे हैं जो है कि वो गुवाहाटी तक। गुवाहाटी से एक जो है न्यू रूट एक रूट जाती है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अगर आप मैं सिलीगुड़ी के आसपास से हूँ तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो वो डायरेक्ट गुवाहाटी पहुँचेंगे। तो गुवाहाटी से जो है आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं शिलोंग, उसके लिए मैं पूरा डिटेल एक अलग से ब्लॉग जो है बनाऊँगा। वहाँ से एक स्पेशल बस भी चलती है उसको लेकर, तो इस वजह से मैं गुवाहाटी तक ही ट्रैवल कर रहा हूँ। बाकी अगर आप सिलीगुड़ी आते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट जो है आप नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है ले सकते हैं शिलोंग वगैरह के लिए। शिलोंग भी जो है सेम बस जाती है ना, शिलोंग चला जाती है। तो शिलोंग कितने बजे छोड़ती है? 7 बजे सुबह छोड़ देती है। तो अगर आप सिलीगुड़ी दार्जिलिंग वगैरह या सिक्किम वगैरह करके आ रहे हैं और शिलोंग जाना चाहते हैं तो आप जो है नेटवर्क ट्रैवल से सीधा जो है शिलोंग भी जा सकते हैं। ये वाया गुवाहाटी होते हुए शिलोंग जाती है। डिटेल जो है वो मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नंबर वगैरह और अभी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो जाएगा सारा नंबर। आप कॉल करके भी बुक कर सकते हो, बाकी इनका खुद का अपना एक साइट है तो उस पर जाकर बुक कर सकते हो। बाकी जो है आप रेड बस हो गया या अभी बस वगैरह जितने भी बस पोर्टल हैं उन सब पे जो है कि आप जाके बुक कर सकते हो। प्राइस जो है जेन्युइन है। यहाँ से एक और बस चढ़ती है चार्टर्ड की, तो वो स्लीपर बस नहीं है बट ये स्लीपर बस है। बस आती है तो मैं एक बार आपको बस को भी दिखाऊंगा और बाद में मैं आपको बताऊंगा कितना कंफर्ट है जर्नी या कितना नहीं है। ये लास्ट इसको जानने के लिए आप लास्ट में निकलें और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में इनका सर्विस है तो उसका भी डिटेल जो है मैं इसी ब्लॉग में आपको लास्ट में दे दूंगा कि आप कौन कौन से स्टेट जा सकते हो और क्या क्या ये है, आप कैसे बुक कर सकते हो, वो सारा डिटेल जो है वीडियो के लास्ट में मिलेगा। आप बने रहो वीडियो में। फाइनली जो है वो बस आ चुकी है, अभी मैं जो है बस में इंटर कर रहा हूँ। एक बार आपको बस का जो भी दिखा देता हूँ। एसी चलाओ, एसी चलाओ, एसी चलाओ, एसी चलाओ। मैं जो
जो है कि मैं आपको पूरे रास्ते जो है वो कैबिन राइड दिखाऊंगा, क्योंकि सिटी से निकलते वक्त जो है कैबिन में अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं ड्राइवर्स वगैरह, तो हमें भी जो है थोड़ा सा कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा सिटी से हम बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद आप आराम से आना, रिकॉर्ड करना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है कि ड्राइवर वगैरह से मैं एक बार ढाबा पर रुकती है गाड़ी तो मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ जो है कि, और हम उनसे ही जानेंगे कि गाड़ी के बारे में जो भी है, डबल एक्सल है या सिंगल एक्सल है या मल्टी एक्सल बस है या फिर कौन सी कंपनी की बसेज है। मैं एक छोटा सा तो इंक्लूड दे देता हूँ, ये मर्सिडीज की बस है, बाकी चीज़ें जो है हम ड्राइवर से ही डायरेक्ट जानेंगे। और बस जो है अभी 20-25 दिन ही हुआ है इस रूट पे, नई बस ही अभी डाली गई है जो है। और अगर इंडिया में बस की बात की जाए तो वॉल्वो और मर्सिडीज ये जो है कि दोनों आपस में जो है कि ये अभी कुछ इंडियंस कंपनी वगैरह भी जो है कि कोशिश कर रही है उस लेवल पे बस बनाने की, बट लेकिन इसका तो कोई तौर नहीं है अभी फिलहाल इंडिया में। तो एक बार मैं आपको बस का जो है पूरा इंटीरियर दिखाऊंगा, सीट का कम्बिनेशन वगैरह, प्लस जो है सारा जो इंफॉर्मेशन है वो, प्लस बस का जो है लुक भी वो ढाबा पे, क्योंकि रोड साइड में लगती है जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा था उसे रिकॉर्ड करना, इसलिए मैंने अवॉइड किया, क्यों मतलब अपनी वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम हो तो ये एक जो है कि रीज़न था, इसलिए मैंने अवॉइड किया कि ढाबा वगैरह पे या पेट्रोल पंप वगैरह पे रुकिए, मैं बस का पूरा जो है कि आपको व्यू वगैरह दिखाऊंगा। आप बाकी अभी सिटी से निकलते हैं, फिर मैं आपसे जो है मिलता हूँ। अभी जो है हम लोग वो सिल्लीगुड़ी टोल प्लाजा के पास पहुँचे हैं, ये पहला टोल प्लाजा है इस रूट में। तो टोल प्लाजा पे सब कुछ जो है ऑटोमेटिक हो गया, फास्ट ट्रैक वगैरह आ गया, जिसकी वजह से जो है कि हर चीज़ जो है बहुत ईजी हो गया, तो ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता और क्राउड भी जो है वो धीरे धीरे कम हो चुका है। तो एक नया इनोवेटिव जो है, बहुत सारे प्रॉब्लम को खासकर जाम की जो प्रॉब्लम टोल प्लाजा पर रखा था उसको जो है वो सॉल्व आउट कर दिया है। तो समटाइम टैंकी जो है वो ना अच्छी बात है। अब हम लोग जो है टोल प्लाजा से निकल गए, अभी जो है हम लोग वो पेट्रोल पंप पे जो है वॉशरूम वगैरह करने के लिए रुके हैं। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है वॉशरूम वगैरह के लिए तो आप बोल सकते हैं, तो रास्ते में तो नहीं रोकता है, बट लेकिन पेट्रोल पंप पे जो है नियरेस्ट पेट्रोल पंप जो है उस पर रोका गया है। टाइम के सबको बहुत ज़्यादा लगा है तो आप बोल सकते हैं, तो वो रुक जाएगा। और अभी हम लोग जो है न्यू जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्रॉस कर चुके हैं, और अभी हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप पे हैं। तो न्यू जलपाईगुड़ी मुझे लगा था एक रेलवे स्टेशन है और एक सिटी है सिलीगुड़ी के अंदर, बट लेकिन ये एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है। इस जलपाईगुड़ी में जो है दो इंटरनेशनल बॉर्डर भी टच होता है, एक बांग्लादेश दूसरा भूटान। तो ये जो है कि मुझे नहीं पता था, बट लेकिन मैं भी थोड़ा सा रिसर्च किया तो फिर पता चला। तो अभी जो है हम लोग आगे जो है सीधा ढाबा पे रुकेंगे, तो बाकी
अभी जो है हम लोग वो ढाबा पे रुके हैं, ढाबा के पास एक जो है रेस्टोरेंट है, उसमें जो है कि आप खाना वगैरह खा सकते हैं। बगल में एक रेस्टोरेंट, बगल में एक ढाबा टाइप का भी है, उसी के बगल में एक रेस्टोरेंट है, सेम होटल है। और ये रेस्टोरेंट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही प्यारा है। ये कपल वगैरह के लिए ऊपर जाकर आप बैठ सकते हो, मतलब एक तरह से सीट का अरेंजमेंट बहुत प्यारे तरीके से किया गया है। तो ये रेस्टोरेंट वगैरह है, इसमें आप खाना वगैरह खा सकते हैं। एक जेन्युइन प्राइस रेट है, कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो एक बार मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। मैंने जो है कि दाल फ्राई और रोटी मंगाया है, क्योंकि कुछ हैवी खाने का भी दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत भी खराब चल रहा है। इधर क्या हो रहा नहीं, हर ट्रिप में कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम के साथ ही करना पड़ रहा है। तो एक बार खाना मंगवाते हैं, फिर जाके मैं आपसे मिलता हूँ। वो अलीपुर द्वार में जी पड़ता है, इसी रीजन में पड़ता है। आपने लास्ट ब्लॉग जो है हमारा देखा होगा, जो है कि एक टूरी की स्पेशल ट्रेन चलती है न्यू जलपाईगुड़ी से लेके विस्टा डोम कोस, जो कि अलीपुर द्वार तक ही आती है। तो वो एक बहुत ही सीनरिक जर्नी है, और उस रूट में जो है कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कई बड़े बड़े रिवर्स, टिस्टा रिवर, महानंदा रिवर जैसे रिवर्स वगैरह भी जो है उसमें आते। तो आप एक बार जो उसे भी जरूर चेकआउट करो, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो आप वो वाला भी जो है वीडियो को जो है जरूर चेकआउट करो, बहुत ही प्यारा जर्नी है, एक बार आपको करना चाहिए। और सबसे प्लस पॉइंट है कि सेम ट्रेन से आप जा सकते हो और सेम से आप रिटर्न आ सकते हो। तो मैंने जो है कि दोनों बना रखा है, तो आप वो जाकर देख सकते हो, बहुत ही प्यारा ब्लॉग है। मैंने दाल रोटी मंगाया था, दाल फ्राई और आलू का भुजिया दिया, साथ में अचार है, थोड़ा सा सैलेड है, प्लस जो है रोटी में एक दो तीन चार, चार रोटी है, बड़ा बड़ा रोटी है, क्योंकि अक्सर मैं ढाबा में खाता रहता हूँ। तो रोटी का साइज जो है कि वो हर जगह छोटा कर दिया जाता है, बट यहाँ बहुत ही परफेक्ट दिया गया है। और एक बार खाते हैं, फिर जाकर टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी टेस्ट है। बहुत ही टेस्टी है, मैं अक्सर ढाबा पे खाता रहता हूँ, बट लेकिन इतना टेस्टी खाना जो है कि मैंने नहीं खाया है। तो बहुत कम चुनिंदे ढाबा पे जो है आपको इस टाइप का जो है खाना मिलेगा। प्लस क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट वगैरह ढाबे वगैरह पे जो है अच्छा खाना। तो इस बस की एक जो है कि USP है कि अच्छे ढाबा पे ये रोक रहे हैं। बस वाले जो अक्सर इधर उधर के ढाबा पे रोकते हैं, बट लेकिन और यहाँ पे प्लस पॉइंट ये भी है कि साथ में ढाबा के साथ रेस्टोरेंट भी है। 130 में जेन्युइन खाना है, मैं खा के आपसे मिलता हूँ। अभी जो मैं खाना खा लिया हूँ, तो एक बार जो है मैं आपको पहले बस का जो है कि ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मैं सिलीगुड़ी में नहीं दे पाया था। रीजन था कि पैसेंजर बोर्ड कर रहे थे, तो मैं नहीं जा रहा था डिस्टर्ब करने के लिए। तो एक बार मैं आपको बोर्ड पहले दिखा दूँ। तो ये तो बस का फ्रंट लुक हो गया, प्लस जो है ये साइड से लुक है। आप साइड से देख सकते हो, एक बार मैं अंदर चलता हूँ, फिर आपको जाके बाकी चीजें दिखा देता हूँ। बस जो है वो मर्सिडीज बेंज की बस है, वॉल्वो और मर्सिडीज बेंज इंडिया में भी दो बस चली है, टाटा वगैरह और बाकी जो बस इंडिया में जो कंपनीज है जो प्रोड्यूस करती है बस, वो लोग भी जो है कि अभी इस पे काम कर रही है इस टाइप के लग्जरीज बस लाने के लिए। तो ये हो गया ड्राइवर सीट, यहाँ पे सारे क्रूज कंट्रोल वगैरह जो है सारे, ये बैक कैमरा हो गया जिसका जो है कि यहाँ से पूरा ओवरव्यू होता है, प्लस जो है यहाँ पे ड्राइवर सीट के लिए। और इस गाड़ी पे जो है वो दो ड्राइवर है, तो जो अभी एक जो कि आपने देखा होगा कैबिन राइड में पीछे वाले ड्राइवर साहब को, जो कि ड्राइव करके अभी आ रहे थे सिलीगुड़ी से। अभी यहाँ से जो है दूसरे वाले जो ड्राइवर हैं वो जो है कि अभी जाएंगे, वो लोग अभी खाना खा रहे हैं, आते हैं तो एक बार मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो एक बार मैं आपको इंटरव्यू भी दिखा देता हूँ। ये पूरा इंटीरियर हो गया बस का, इसमें 2x1 का जो है वो कॉम्बिनेशन है बस का, जिसमें कि पूरी फुली बस जो है वो स्लीपर बस है। 2x1 में स्पेस भी जो है वो अच्छा खासा स्पेस है, 1x1 वाले भी प्लस।
खाना खाके जो है रेस्टोरेंट से जो है गाड़ी खुल चुकी है और टाइम जो है वो 11 बज गया है। ये सही टाइम है खाना खाने का। अक्सर जब मैं पटना वाले रूट पर ट्रेवल करता हूँ तो 1 बजे 1:30 बजे रात में जो है कि बस रुकता है, वक्त जो है कोई सेंस नहीं बनता है खाना खाने का। बट ये परफेक्ट टाइम है, अब है कि आप खा के आप जो है आराम से रेस्ट ले सकते हो। अब मैं मिलता हूँ आपसे, अगर कुछ रास्ते में कुछ मिलता है तब तक आप जो है कैबिन राइड जो है वो इंजॉय करो। वो लोग के कैमरे 2.5-3 लाख के होते हैं, ये तो 50,000 की है, वो तो 2.5-3 लाख के चले जाते हैं। अभी जो है हम लोग वो आसाम इंटर कर चुके हैं और मैं जो है वो अपने कैबिन में आ गया हूँ, क्योंकि जो है कि रात भी हो गई है, 10:30-11 बज गया है, तो खाना वाना खा कर भी हम लोग निकले थे और उसके बाद जो है कि हम लोग आसाम इंटर कर गए हैं। तो मैं जो है कि आपसे सीधा जो है वो मॉर्निंग में मिलता हूँ, क्योंकि कल की रात भी जो है मैं सो नहीं पाया था, वीडियो एडिटिंग की वजह से 3-4 घंटा ही मैं नींद ले पाया था, और अभी भी अगर नहीं सोऊंगा तो सर में धीरे धीरे दर्द स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये बस जो है कि वो सीधा शिलोंग ही जाएगी। मेरा पहले प्लान था कि गुवाहाटी से फिर जो है आगे के लिए, बट लेकिन अभी जो है कि ड्राइवर सबसे बात होती हुई तो पता है कि वो शिलोंग तक जाएगी, तो अब चलो शिलोंग साथ में, तो हम लोग जो है अभी वो साथ में ही जो है वो शिलोंग ही जा रहे हैं। तो मैं आपसे मॉर्निंग में जो है जहाँ नींद खुलती है वहाँ पर मिलता हूँ, तब फिर मैं वहाँ से आपको आगे का जो है कैबिन राइड वगैरह दिखाता हूँ। बाकी जो है ड्राइवर साहब से मैं आपको सीधा जो है वो शिलोंग में ही इंट्रोड्यूस कराऊंगा, क्योंकि मैं सोचा था कि अभी करा दूंगा, बट लेकिन उन्होंने बोला कि जब आप चल ही रहे हो तो वहीं पे जो है कि फिर हम लोग बात करते हैं, तो वो बेटर रहेगा। और अनुमो जो है कि बाकी जो डिटेल्स हैं, प्राइस वगैरह कितना चार्ज फेयर है गाड़ी का, बाकी और भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा जो है मैं आपको एक बार शिलोंग जब मैं पहुँच जाता हूँ तो फिर आपको जाके मैं वहाँ देता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जो मेरी नींद खुली है तो हम लोग जो है कि गुवाहाटी क्रॉस कर चुके थे। तो जैसा कि मैंने रात में बताया भी था कि मेरा प्लान तो गुवाहाटी तक था, बट ये गाड़ी जो है शिलोंग तक जाएगी, तो
ड्राइवर साहब ने बोला था कि आप जब जा रही है तो आप चलो, जब आपको इनडायरेक्टली जो है कि शिलोंग जाना ही है तो आप इसी से चलो। तो बाकी जो है कि गुवाहाटी अगर आपको आ रहा है अगर ट्रेन से या बाई फ्लाइट, तो मैं उसके लिए जो है कि आपको एक बार मैं शिलोंग पहुंच जाता हूं तो वहां से आपको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कैसे आप गुवाहाटी से जो है शिलोंग पहुंच सकते हैं, क्या टाइमिंग है, और एक बस चलती है उसके अलावा भी और बाकी कोई बस चलती है, क्योंकि मैं अभी रास्ते में देख रहा था कि कुछ बसेस जो है कि वो गुवाहाटी से शिलोंग के लिए, शिलोंग से गुवाहाटी के लिए आ रही है, तो इसका मतलब गुवाहाटी से भी शिलोंग जाती होगी। एक बार मैं बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद जो है कि वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी जो है कि आप जब तक जो है कैबिन राइड का एंजॉय कीजिए, मैं आपसे सीधा जो है वो शिलोंग में ही मिलता हूँ और सारी कहानी में। शिलोंग से 20-22 किलोमीटर पहले जो है, गुवाहाटी से जब आप शिलोंग जाओगे तो 20-22 किलोमीटर पहले एक मैन मेड बहुत बड़ी लेक है, बहुत खूबसूरत लेक है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी वगैरह से आते हैं तो आप जो है कि रुक के हम 5-10 मिनट जो एंजॉय कर सकते हैं और पिक वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। ये मैन मेड लेक है, बहुत बड़ी लेक है, और जो है कि बस वाले तो नहीं रोकते हैं बट लेकिन इससे जो है टैक्सी वगैरह से आप प्राइवेट से आते हो तो उसको जो है 10-15 मिनट रुका सकते हो, और इसको जो है कि आप अपने साइड सीन में जो है कि इंक्लूड कर सकते हो सेम डे ऑन द ट्रैवल। से 22 किलोमीटर पीछे हैं, एक पेट्रोल पंप पे जो है भी पेट्रोल ले रहे हैं, गाड़ी में डीजल फुल किया जा रहा है। तो क्या हुआ कि मेरी जब नींद खुली तो वो जो है कि सीधा जो है कि मैं पहाड़ वगैरह दिखने लगा मुझे साइड में, सो छोटे छोटे पहाड़ के फुटफॉल जो है नजर आने लगे। तो फिर मैं गेस तो कर रहा था कि हम लोग जो है गुवाहाटी से क्रॉस कर गए, फिर मुझे लगा कि हो सकता है मे बी गुवाहाटी के कुछ बाद में होगा, लेकिन मेरा एग्जैक्टली मुझे कुछ नॉलेज नहीं था उस वक्त। बट लेकिन जब मैं बाहर आया तो उन्होंने बताया आपने गुवाहाटी में तो क्रॉस कर गई है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि बस कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मैं इवन कि मैं जब भी बस का ट्रैवल करता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, अक्सर बस जो है कि मुझे नींद नहीं आती है बस की। बट लेकिन इतना कंफर्टेबल था कि मैं जाके सोया और मेरी नींद मुझे जो है मेरी नींद आ गई मुझे, और जो है कि फिर मेरी नींद सीधे जो है कि गुवाहाटी क्रॉस करने के बाद ही खुली है। तो अभी हम लोग जो है सीधा शिलोंग जा रहे हैं, और रास्ते में जो है पीछे एक जो है कि मैन मेड जो है कि तालाब है, बहुत खूबसूरत तालाब है। तो अगर आप प्राइवेट कैब वगैरह से आते हैं तो आप वहाँ रुक के जो है कि उसका थोड़ा सा वीडियो वगैरह फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और जो है कि रूट्स जो है कि बहुत सीनरिक रूट है, तो आप डायरेक्ट जो है कि आप जो है अगर आप सिलीगुड़ी से आ रहे हैं तो डायरेक्ट ये बस जो है आप शिलोंग तक के लिए ले सकते हैं, आप गुवाहाटी उतरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो प्लान कुछ और था बट लेकिन चेंज हो गया, क्या होता नहीं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है वो ट्रैवल में होती रहती है, तो इस वजह से जो कि मेरा प्लान जो है वो सीधा जो है शिलोंग का हो गया। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं आपको शिलोंग जाके ही दूंगा। अभी जो है हम लोग शिलोंग के बस स्टैंड पे जो है पहुँच चुके हैं, यहाँ से मेन सिटी जो है वो थोड़ा दूर है, 5-10 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो यहाँ से टैक्सी वगैरह मिल जाती है, आप टैक्सी से जो है शिलोंग जा सकते हैं, बट लेकिन सिटी के अंदर बस नहीं जाती है, तो उसका टर्मिनल जो है वो बाहर ही बना हुआ है। एक बार जो है मैं बस को आपको इंटीरियर दे देता हूँ क्योंकि प्रॉपर दे नहीं पाया था मैं। तो ये बस का जो है वो ड्राइवर कैबिन हो गया, यहाँ पे सारे क्रूज कंट्रोल वगैरह होंगे, बटन वगैरह सारा, और बस जो है वो मर्सिडीज़ बेंज की बस है, साथ में बस जो है वो स्लीपर है फुल्ली, सीटिंग कैपेसिटी कुछ भी नहीं है इसमें, 0-2x1 का कम्बिनेशन है स्लीपिंग का, और प्लस जो है कि साथ में आपको एक पिलो मिल जाता है और एक जो है कंबल आपको दिया जाता है, साथ में इमरजेंसी के लिए हर इस पे जो इमरजेंसी एग्जिस्ट के लिए दिया हुआ है, साथ में चार्जिंग में आपको एक USB पोर्ट है प्लस एक जो है वो प्लग वाला पोर्ट है, फ़ोन के लिए जो है एक साथ में जो है कि होल्डर दिया हुआ है रखने के लिए, और इमरजेंसी पैनिक बटन जो है वो आपको हर जो है कि सीट के पास मिल जाता है, और 3x2 का कम्बिनेशन ऊपर भी है, 3x2 का नीचे भी है, और एक इमरजेंसी गेट जो है वो आपको बैक साइड मिल जाता है, प्लस CCTV सेफ्टी के लिए, और यहाँ पे जो है एक इमरजेंसी गेट जो है वो आपको पीछे साइड में मिल जाता है। बस जो है बहुत ही खूबसूरत है, आप कम्फर्टेबल का तो आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि मेरी
गुवाहाटी में जो कि नींद ही नहीं खुली, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है बस। तो मैं तो इस बस को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इससे ट्रेवल करो, चार्टर से बेटर है, चार्टर में सीटी है। रही बाकी प्राइस की बात, तो 1100 जो है वो इनका फेयर है। यहाँ शिलोंग तक के लिए कितना प्राइस है? सेम है, शिलोंग तक के लिए कितना प्राइस है? शिलोंग से है ऊपर का हो गया आपका 1200, नीचे का हो गया 1300, अपर का हो गया 1200, लोअर का 1300। ले सकते तो शिलोंग तक के लिए फेयर जो है आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है, गुवाहाटी तक के लिए 1100 है बट, लेकिन शिलोंग तक के लिए नीचे का जो है वो 1300 हो जाता है और ऊपर का 1200। एक बार मैं आपको ड्राइवर साहब से भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ क्योंकि मैंने अब तक आपको नहीं मिलाया। तो ये ड्राइवर साहब एक हमारे जो थे, और एक एक किधर गए, सो रहे हैं वो? वो घर गए। अच्छा, घर चले गए। तो एक से मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। आपका नाम? रंजीत दास। रंजीत दास, उनका नाम क्या था? उनका उपन चौधरी। उपन चौधरी, उपन चौधरी। और ये हमारे जो है कि खलासी हो गए, जिन्होंने पूरा बस को जो है ऑपरेट करना होता है, जो देखना क्या छूट रहा है, खाना पीना वगैरह सारा अरेंजमेंट इनका ही हाथ में है। तो एक तरह से ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखते हैं हमारे बस जर्नी में। तो इन सबको जो है कि मेरे तरफ से भी और मेरे व्यूअर की तरफ से भी थैंक यू। बस स्टैंड पे ही जो है एक छोटा सा कैफे है जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं। तो मैंने जो है कि एक चाय लिया है प्लस जो है एक केक बिस्किट किया है। तो इनका जो है कि अगर मैं खा के टेस्ट करके देखता हूँ, टेस्टी है चाय भी, चाय भी टेस्टी है। मैंने कई जगह पे चाय जो अक्सर कॉफ़ी मशीन से पिया है लेकिन वो चाय उतनी टेस्टी नहीं होती है, बट ये टेस्टी है, तो रिकमेंडे है, खा सकते हैं मॉर्निंग में यहाँ पे। तो अभी जो है इस ब्लॉग को जो है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सिलीगुड़ी से जो है ये बस जो है 5:30 बजे खुलती है, तो आप 5 बजे तक जो है इसके काउंटर पे आ जाएं। काउंटर जो है रेलवे स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप है, उसके जस्ट सामने काउंटर बना हुआ है। और वहाँ से जो है कि गुवाहाटी तक का फेयर जो है इसका वो 1100 है, और यहाँ तक के लिए नीचे वाले स्लीपर के लिए जो है 1300 और ऊपर वाले के लिए 1200 है। तो ये एक ही है मेरे साथ, तो इन्होंने मतलब वो है कि मेरा गुवाहाटी तक का ही था, बट लेकिन बोलते हैं ना कि हमारे साथ अक्सर जो है कि इस टाइप का हो जाता है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। तो इन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आप चलो हमारे साथ ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो है कि डायरेक्ट यहाँ पे आ गया हूँ। बाकी जो है कि शिलोंग से यहाँ आने के लिए जो है गुवाहाटी से शिलोंग आने के लिए बस चलती है मॉर्निंग में, तो अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो उसमें, बाकी नहीं तो प्राइवेट टैक्सी वगैरह जो है शेयरिंग में जो है वो चलती रहती है, या फिर आप बाकी प्राइवेट टैक्सी वगैरह भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अवेलेबल है। बाकी बसेज जो है कि वो और एक दो बसेज जो है कि वो नेटवर्क ट्रेवल की ही जो है वो चलती है, तो वो एक बार आप चेकआउट कर लें, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस वक्त जो है गुवाहाटी पहुँचते हैं। तो कोशिश करें कि आप मॉर्निंग का ट्रेन जो है कि बुक करें कि जो आपको गुवाहाटी जो है वो मॉर्निंग में छोड़े। सेकेंड चीज़ है, यहाँ से जो है जो इसका बस स्टॉप है शिलोंग का, वो जो है कि मेन सिटी से 8 किलोमीटर जो है कि बाहर है। तो एक तो बाहर में प्लेसेस का जो है इशू रहता है, तो उसकी वजह से जो ये रहता है। तो यहाँ से तो आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगा, प्राइवेट भी मिल जाएगा। शेयरिंग आई थिंक जो है कि वह मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगा, क्योंकि मैं ब्लॉग को जो है इंपेंट कर रहा हूँ, मैं ब्लॉग दूसरा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें जो है कि आज हम लोग रिसर्च करेंगे। यहाँ से जो है एक स्पेशल जो है टूरिस्ट जो है कि चलाती है, टूरिस्ट जीप जो है चलती है, उसे वन डे टूर जो है करवाती है गवर्नमेंट। तो उसको जो है आज एक्सप्लोर करते हैं, और कल से जो है कि हम लोग उसको देखेंगे कि कौन कौन लिया है। तो आज पूरे दिन जो है कि वो सारा चीज़ रहेगा, होटल्स वगैरह। नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि आपको होटल से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन प्लस जो है कि लोकल मार्केट वगैरह जो है वो सब आपको मिल जाएगा। तो मैं जो है आपको मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जो है कि आप चैनल को जो है कि शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक और शेयर जो है कि वो हमारे लिए जो कि मोटिवेशन का काम करता है। और अगर कुछ जो है कि आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसे भी जो है आप ज़रूर सजेशन करें। बाकी अगर कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए जो है कि आप मुझे जो है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो है कि मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। बाकी जो भी लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो सारे जो है डिस्क्रिप्शन में वो दिए रहेंगे।
अधिक हो कर कृष्ण पे गीत शुभ लौट